नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। ग्लेन मैक्सवेल कुछ दिन पहले साथी क्रिकेटर ब्रेटली के एक रॉक बैंड सिक्स एंड आउट का शो देखने के लिए एडलेड पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पब में जमकर पार्टी की, इससे उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई और मैक्सवेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें अस्पताल से जल्दी ही छुट्टी दे दी गई थी, इससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इसने मेरी फैमिली पर बहुत प्रभाव डाला। मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में शतक जड़ने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि शायद इसने मेरे परिवार को उससे थोड़ा अधिक प्रभावित किया जितना मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा। मुझे पता था कि उस सप्ताह मेरी छुट्टी थी और जाहिर तौर पर वह घटना आदर्श के लायक नहीं थी, लेकिन मेरे पास उस सप्ताह छुट्टी थी। मुझे पता था कि मुझे उस सप्ताह खेल से दूर रहना था, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन मैं वापस आया और अपनी दौड़ अपने जिम में वापस लग गया। ग्राउंड पर वापस आने के बाद मुझे वास्तव में अच्छा और तरोताजा महसूस हुआ। मेरा ध्यान अब इस T20 सीरीज पर केंद्रित है। ग्लेन मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच में मैच 25 बॉल पर 4 चौके और 4 छक्के जमाते हुए उन्होंने अपनी 50 पूरी की। इसके बाद अगली 25 गेंद और एक और हाफ सेंचुरी जड़ दी, यानी कि कुल 50 गेंद का सामना करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 9 चौके और 7 छक्के की मदद से T20 इंटरनेशनल में 5वीं सेंचुरी जड़ी। इस तरह उन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लिए। रोहित शर्मा के नाम भी T20 इंटरनेशनल में कुल 5 शतक है। तो आपने देखा कि जहां एक तरफ उन्होंने T20 रिकॉर्ड शतक जड़कर उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी करी, वहीं पर मैच के बाद उन्होंने उस बात पर खुलासा किया कि कैसे कि जमकर दारू पीने के बाद जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसका प्रभाव उनसे ज्यादा उनके फैमिली पर पड़ा था। तो ये थे हमारी रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।